फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल में, और मैं हूं आपका दोस्त मेहताब आलम। दोस्तों, आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक ये है कि जब आपका लैपटॉप या कंप्यूटर खराब होता है, तब आप मार्केट में जाकर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को किसी दुकानदार को दे देते हैं रिपेयर करने के लिए। लेकिन अहम बात यह है कि आजकल के जो रिपेयर करने वाले लोग हैं, वो रिपेयर करते कम हैं और बेवकूफ ज्यादा बनाते हैं और पैसे भी ठग लेते हैं। क्या करें कि आप बेवकूफ ना बने, तो बिना वक्त जाया किए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, ये मेरा लैपटॉप है जो कि डेल का है और इसका मॉडल है वस्टो 2520। एक्चुअली हुआ ये था कि आज से 3-4 दिन पहले मेरा लैपटॉप खराब हो गया था। दरअसल हुआ ये था कि मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था और काम खत्म होते ही मैं लैपटॉप को शट डाउन कर दिया और चार्ज में लगा दिया, क्योंकि बैटरी कम चार्ज थी। और फिर मैं 2-3 घंटों के बाद देखा तो यहाँ पे जो लाइट है चार्जिंग की, वो नहीं जल रही थी। तो फिर मैंने चार्जर को निकाल के फिर से लगाया और फिर यहाँ से पिन इसको निकाल कर फिर से लगाया, तभी भी चार्ज नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने लैपटॉप को ऑन किया, लैपटॉप को मैं यहाँ से ऑन किया पावर बटन दबा के, तभी भी ऑन नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि बैटरी को निकाल कर उसको अच्छे से साफ करके फिर बैटरी लगाकर ऑन किया, तभी भी ऑन नहीं हुआ। उसके बाद मैं मार्केट गया लैपटॉप को रिपेयर करवाने के लिए, तो फिर मैं दुकानदार को दे दिया। तो उन्होंने लैपटॉप को वहीं पे खोला, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही थी। हालांकि उन्हें इक्विपमेंट्स की भी कमी थी, इसलिए उन्होंने दूसरे दुकानदार को दे दिया जो लैपटॉप रिपेयर करते हैं। हालांकि आई थिंक मेरे हिसाब से वो पार्टनर ही होंगे। तो उन्होंने बोला कि कल आज नहीं हो पाएगा, सो आप कल शाम को आइए। तो उन्होंने कल शाम तक लैपटॉप रिपेयर करके रखे हुए थे। तो मैं रात को फोन पे उनसे बातें की, तो उन्होंने बताया कि 1800 रुपए का खर्चा है। मैंने बोला कि 1800 रुपए किस बात की, तो उन्होंने बताया कि मदरबोर्ड खोलने का 1200 और कीबोर्ड लगाने का 600। तो मैंने बोला कि क्या प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने बताया कि आपका मदरबोर्ड शॉर्ट कर रहा है कीबोर्ड की वजह से, इसलिए दूसरा कीबोर्ड लगाना होगा। तो मैं बोला कि सिर्फ कीबोर्ड रिप्लेस हो रही है, तो बोले हाँ। तो 1800 रुपये का आपका खर्चा है, तो मैंने बोला कि मैं तो इतना नहीं दे पाऊंगा, खैर जो भी है मैं कल आकर बात करता हूँ। तो फिर मैं कल गया और बोला कि लैपटॉप में क्या फॉल्ट है, सिर्फ शॉर्टिंग का इशू है, यानी कि मदरबोर्ड शॉर्ट कर रहा है कीबोर्ड की वजह से। अगर हम कीबोर्ड को रिप्लेस करते हैं, यानी कि पुराने वाले कीबोर्ड, जैसे कि ये पुराने वाला कीबोर्ड है ना, इसको अगर हम रिप्लेस करते हैं, यानी कि इसको हटाकर इसको निकालकर नए वाले कीबोर्ड लगाते हैं लैपटॉप में, तो लैपटॉप बढ़िया चलता है। तो ये जो कीबोर्ड आप देख रहे हैं, ये पुराना वाला कीबोर्ड है, ये खराब हो चुका है, इसलिए उन्होंने लैपटॉप से निकाल दिया है। और लैपटॉप में जो कीबोर्ड है वो नया वाला है, जो कि अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि सिर्फ कीबोर्ड को रिप्लेस किया गया है, ना कि मदरबोर्ड के किसी भी कंपोनेंट को। हाँ, ये बात सच है कि बार बार कीबोर्ड लगाने से मदरबोर्ड का कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे सिर्फ कीबोर्ड रिप्लेस किया गया है, पुराने वाले कीबोर्ड को निकालकर नए वाले कीबोर्ड को लगाया गया है। अगर वाकई में मदरबोर्ड का कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट हुआ होता, तो वो कॉल करके पहले ही लाइन में बोलते कि आपका मदरबोर्ड शॉर्ट हो गया है कीबोर्ड की वजह से, और मदरबोर्ड का ये कंपोनेंट खराब हो चुका है, आपको इतने इतने पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि आपका ये कीबोर्ड शॉर्ट हो चुका है, इसलिए कीबोर्ड दूसरा लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि देखिए, मदरबोर्ड को डायग्नोस करने के 300 रुपए लगते हैं और उन्होंने सिर्फ हीट गन को चला दिया है। और दूसरी बात कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड 600 रुपए के, यानी कि 6-3 900 रुपए आपके बनते हैं। तो उन्हें बोला कि नहीं, 900 रुपए में नहीं होगा, सो आपको 1100 देना ही पड़ेगा। मैं ज्यादा बार्गेनिंग नहीं किया और 1100 दे दिया। हालांकि उन्हें ये बताया, एक्चुअली मैं भी एक टेक्निकल फील्ड से हूँ और उन्हें ये बात शायद मालूम थी, इसलिए उन्होंने इतने में मान गए, और शायद कोई और होता तो ज्यादा ले सकते थे। इसलिए अब आप मुझे ये बताइए कि 1100 रुपए वो लिए, क्या वो मुझसे ज्यादा लिए या नहीं, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, क्योंकि 900 रुपए बनते थे। खैर, ये बात रही मेरी, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होगा तब आप क्या करेंगे, जब आपका लैपटॉप या कंप्यूटर खराब होगा तब आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले ये देखना है कि आपके लैपटॉप में क्या खराबी है, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में क्या खराबी है वो चेक करें। उसके बाद मार्केट में ये पता लगाएं कि इस पर्टिकुलर चीज को ठीक करने के लिए जो भी लैपटॉप रिपेयर करते हैं वो लोग क्या चार्ज करते हैं। उसके बाद 3-4 दुकान जरूर चेक करें कि मतलब कौन कितना लेता है और कौन अच्छी तरह से रिपेयर करता है। जो बंदा अगर बहुत अच्छा रिपेयर करता है, थोड़े से ज्यादा पैसा लेता है,
तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसी से रिपेयर करवाएं, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा पैसा मायने नहीं रखता, लेकिन आपका काम बढ़िया करके दे रहा है। दोस्तों अगर आप लैपटॉप रिपेयर करते हैं तो हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगी हो, तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैं समझ सकता हूं कि ये आपका बिजनेस है, पैसा कमाना है कमाइए, कमाना गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से कमाना गलत बात है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लैपटॉप के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, अगर उनका लैपटॉप खराब होता है तो वो किसी दुकान में जाते हैं लैपटॉप रिपेयर कराने के लिए। तो वो क्या होता है उस केस में, अगर लैपटॉप उसका रिपेयर नहीं हो पाता है, वो जो रिपेयर करता है वो क्या करता है कि लैपटॉप के कुछ पार्ट्स निकाल लेता है और उसे दे देता है, ये कहकर कि आपका लैपटॉप रिपेयर नहीं हुआ, आप किसी और दुकान में देख लीजिए। और फिर वो बंदा दूसरी दुकान में जाता है तो वो बोलता है कि आपका लैपटॉप का पार्ट्स मिसिंग है, मतलब किसी ने निकाल लिया था। फिर वो भिड़ता कि नहीं मैंने आपको ही दिया है, फिर वो ये थोड़ी ना बोलेगा कि मैं इससे पहले कहीं, अगर ईमानदार होगा तो वो बोलेगा कि इससे पहले मैं एक जगह गया था, उन्होंने शायद निकाल लिया है। लेकिन अगर कोई मतलब होगा तो उससे भिड़ जाएगा, बोले कि नहीं आपने ही निकाल लिया है। तो मतलब ऐसे ऐसे केसेस हो जाते हैं। दोस्तों कुछ केस ऐसे होते हैं जो लैपटॉप रिपेयर होने के बाद भी जो लैपटॉप बनाता है, जो रिपेयर करता है, वो उसकी पर्सनल डेटा चुरा लेता है। बताइए ये कितनी गलत बात है। इसलिए आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को हमेशा लॉक करके रखें। दोस्तों यहां पर मैं किसी भी दुकानदार का नाम नहीं लेना चाहूंगा। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, अगर हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताएं, मुझे आपके कमेंट्स जानने का इंतजार रहेगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी जान पहचान के लोग हैं उन्हें ये शेयर जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ऐसा ही वीडियो चाहते हैं, हमेशा यूनिक वीडियो चाहते हैं, तो हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।